अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं सोफियाज़ ब्लॉग और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आज हम क्या बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आया करें तो हमारी वीडियोस को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप घर में फ्राइज़ किस तरह बना सकते हैं जो हमें मार्केट से मिलते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम आपको आज बताएंगे चार तरह के फ्राइज़ बनाना। तो फर्स्ट वे ऐसा है कि आपने दो आलू ले लेने हैं बड़े बड़े साइज़ के और उनको कट कर लेना है। अगर आप करना चाहें पतला या मोटी आपको फ्राइज़ पसंद है तो आप दोनों साइज़ में कट कर सकते हैं, हमने नॉर्मल साइज़ रखे हैं। तो सबसे पहले हमें दो आलू ले लेने हैं, उनको कट कर लेना है, कॉर्नफ्लोर ले लेना है और नमक ले लेना है। तो सबसे पहले अब हम इसके अंदर दो से तीन चम्मच बड़े या छोटे आप कॉर्नफ्लोर के डाल दीजिए। मेरा चम्मच छोटा है तो मैं चार चम्मच डाल दूँगी छोटे। जैसे कि मैंने छोटा चम्मच लिया था तो मैंने चार चम्मच डाल दिए हैं। अब हमने छोटा चम्मच ही लेकर आधा चम्मच नमक डाल लेना है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे आलू को और नमक को अच्छे तरीके से। आपने ये देख लेना है कि आपके आलू अच्छी तरह से खुश्क होने चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा मटेरियल है वो मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पानी वाला मटेरियल नहीं है। आपने पानी खुश्क करना है उसका, कॉर्नफ्लोर का, और हमने ऑयल गरम कर लिया है एक देसी में। अब हम आप इसको डाल देंगे फ्राइज़ को। ये याद रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अब हमने जो हमारे फ्राइज़ हैं वो फ्राई होने डाल दिए और आप देख सकते हैं कि ऑयल गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम आपको बताएंगे कि आपने दूसरे वे में फ्राइज़ किस तरह बनानी है। तो हमने दो ही बड़े आलू दोबारा ले लिए हैं और मैदा ले लिया है, नमक ले लिया है, लाल मिर्च, चाट मसाला और साथ में काली मिर्च ले ली है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपने सबसे पहले तीन बड़े चम्मच, मेरे पास छोटा चम्मच है तो मैं पांच छोटे चम्मच डालूंगी। इसके अंदर नमक डालूंगी आधा चम्मच से ज़्यादा, एक चम्मच लाल मिर्च डालूंगी और आधा चम्मच ही चाट मसाला डालूंगी और आधा चम्मच ही काली मिर्च का डालूंगी। आधे से ज़्यादा चम्मच डाल लीजिए काली मिर्च का। और अब आप इसको मिक्स कर लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल है फ्राइज़ का वो हमने किस तरह से मिक्स किया है, ना ज़्यादा पानी डाला है, नॉर्मल तादाद में पानी डाला है और वो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम ऑयल गरम कर लेंगे। फ्राइज़ है वो फ्राई हो रही है। सबसे पहले हमने कॉर्नफ्लोर और नमक डाल के जो चिप्स बनाई थी, फ्राइज़ बनाए थे, वो ये हैं। और दूसरे नंबर पर जब हमने मैदा, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और चाट मसाला डाल के वो चिप्स बनाई थी, वो ये है। तो आप देख सकते हैं दोनों चिप्स को, फ्राइज़ को, कि कितनी खस्ता और अच्छी बनी है। आप ये फ्राइज़ घर में जब कोई मेहमान आए तो बना सकते हैं। रहमानिर्रहीम, आज हम बनाएंगे फ्राइज़। अब हम आपको बताएंगे कि तीसरे तरीके से आपने फ्राइज़ को किस तरह बनाना है। तो हमने दो बड़े आलू ले लिए हैं, उनको कट कर लिया है, ज़ीरा ले लिया है, सूखा धनिया ले लिया है, काली मिर्च ले ली है, लाल मिर्च ले ली है, नमक ले लिया है और चाट मसाला ले लिया है और बेसन ले लिया है। तो अब हम एक चम्मच बड़ा बेसन डाल देंगे, सिर्फ एक चम्मच डालिएगा। अब हम इसके अंदर एक चम्मच ही लाल मिर्चों का डाल देंगे, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हम काली मिर्चों का डाल देंगे, आधा चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे और आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल देंगे। एक चम्मच हमने सूखा धनिया डाल देना है साबुत। अब हम इसके अंदर एक चम्मच ही
नहीं, आधा चम्मच हम जीरा डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है वो हमने लगा लिया है हमारे फ्राइज को, और अब हम आपको दिखाएंगे इसको फ्राई कैसे करेंगे। फ्राइज हैं वो फ्राई हो रहे हैं, हमने अपने फ्राइज को फ्राई होने रख दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम आपको बताएंगे कि फोर्थ वे में आपने फ्राइज किस तरह बनाना है। तो इसको देखने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। अब हमने सिर्फ नमक और काली मिर्च लेनी है और दो बड़े आलू हमने ले लिए हुए हैं और उनको कट कर लिया है। अब हम इसके अंदर नमक डाल, अब आप इसके अंदर एक चम्मच नमक डाल देंगे छोटा, और एक चम्मच ही हम काली मिर्च डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा मटेरियल है मिक्स कर लिया है। हमारे रही जैसे कि हमारे फ्राइज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। ये वो चिप्स हैं जो हमने बेसन डाल कर बनाए थे और इसमें हमने काली मिर्च और नमक डाला था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जज़ाकअल्लाह।